हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अवर नाइन्थ क्लास सेकेंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. दिस चैप्टर रिटन बाय फेमस इंडियन राइटर रस्किन बॉन्ड. ही रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 एंड पद्मश्री इन 1999. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. द एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड इज एन अम्यूजिंग स्टोरी हाईलाइटिंग द एंटिक्स ऑफ मिस्चीवियस मंकी. द नैरेटर ग्रैंड Father bought Toto, a little red monkey, from a Tonga driver to add to his collection of animals in his private zoo. The grandfather was quite happy. ये कहानी है टोटो की. टोटो, इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये टोटो क्या है. जी हाँ, इसमें टोटो नाम है एक बंदर का. ये जो बंदर है, इसको जो दादाजी हैं वो कहाँ से खरीदते हैं? वो खरीदते हैं उसको एक टोंगा ड्राइवर से. टोंगा ड्राइवर से वो इस बंदर को सिर्फ 5 रुपये में खरीदते हैं. देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये टोंगा ड्राइवर है और ये जो है ये दादाजी हैं. दादाजी जो हैं टोंगा ड्राइवर से ख़रीदते हैं टोटो को सिर्फ 5 रुपये में. और ये हैं दादी जी, जो जानवरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं. और वो दादी जी से जो है इस बंदर को छिपाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है कि वो जब अलग अलग पालतू जानवर लाते हैं तो उन्हें इस तरीके की जानवर पसंद नहीं है. और दादाजी ने अपने घर में एक प्राइवेट ज़ू बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रखे हुए हैं उन प्राइवेट ज़ू में. देखिए, उनके इस प्राइवेट ज़ू में है एक ये कछुआ, और ये जो 2 रैबिट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 2 रैबिट उन्होंने वहाँ रखे हैं. और एक गिलहरी रखी है वहाँ पर, और एक कैट रखी है. और वहाँ पर एक नाना नाम का एक गधा भी है, जिसको जो टोटो है बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और कभी कभी वो उसके कान भी खींच लेता है. और ये इसमें ये जो गधी है, ये जो है टोटो से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है. और टोटो के बारे में बहुत सारी कहानियाँ इसमें बताई गई है. पहले जब ये जो टोटो है, इसको दादाजी ले जाते हैं, जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो उसको ट्रेन में ले जा रहे होते हैं. तो ट्रेन में क्या होता है, टिकट कलेक्टर उनके पास आता है और वो टिकट दिखाने के लिए कहता है. जब वो दादाजी उसको टोटो को इसलिए अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए ले जाते हैं कि टोटो अगर वहाँ रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा शैतानी करेगा और जानवरों को और भी ज़्यादा परेशान कर देगा. तो इसलिए वो एक बैग में, कैनवस के बैग में रख के उसे लेकर जाते हैं. और फिर जब वहाँ टिकट कलेक्टर आता है तो वो टिकट दिखाने के लिए कहता है. टिकट दिखाने के लिए कहता है तो टोटो अपना मुंह आगे निकाल लेता है. तो टिकट कलेक्टर कहता है कि ये जो है इसके टिकट के पैसे लगेंगे, क्योंकि ये एक चुपाया नहीं है. और ये जो है, तो दादाजी कहते हैं कि नहीं, यह तो सिर्फ एक बंदर है, इसके पैसे नहीं लगेंगे. लेकिन टिकट कलेक्टर जो है इसके 3 रुपये लेकर ही मानता है. फिर उसके बाद दादाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बैग से कछुआ निकाल कर दिखाते हैं और कहते हैं, लो अब इसके भी पैसे लगेंगे. टिकट कलेक्टर उस कछुए को छूता है और वो कहता है कि नहीं, ये इसके पैसे नहीं लगेंगे, आप इसे ऐसे ही फ्री में ले जा सकते हैं. और अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटो बहुत ज़्यादा चालाक है, उसकी आँखें बहुत ज़्यादा चमकीली है. एक बार जब वो नहाने के लिए टब में जाता है तो वो पानी को चेक करता है, और वो हमेशा गर्म पानी से ही नहाता है. और फिर अपने बॉडी पर, पूरी बॉडी पर साबुन को अच्छे से मसल मसल के लगाता है, और फिर बाहर निकल के अपने आप को टॉवल से पूछ लेता है. लेकिन एक बार क्या हुआ, दादी जी ने जो है वहाँ पर कुछ कैटल लगाई हुई थी, और उसके बाद उन्होंने उस गर्म पानी में वो घुस गया था, और इस बार वो काफ़ी जलते जलते ही बचा था. ठीक है, दादी जी ने उसे निकाल दिया था और वो जलते जलते बच्चा था. और एक और इंसिडेंट है उसके बारे में, टोटो के बारे में. टोटो जो है घर में सब लोग जो है खाना खाने के लिए बैठे थे, तो वो जो है एक बार चावल की प्लेट उठाकर भाग गया था. और जब वो चावल की प्लेट उठाकर भाग गया और दादी जी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो वो चावल की प्लेट उसने वहीं पर ही फेंक कर मार दी. और जब वहाँ पर आंटी आई तो उन्होंने उसके मुँह पर भी गिलास फेंक कर मारा. और फिर कहाँ पर जाके चढ़ गया था, वो कटहल के पेड़ पर चढ़ गया. और फिर वहाँ से धीरे धीरे करके पूरा जो है चावल वहाँ पर बैठे बैठे खा गया.
इस तरीके से जो परिवार के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे टोटो से, क्योंकि टोटो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा था और उन लोगों के बर्तन तोड़ने लगा था और उन लोगों के पर्दे सब कुछ वो बहुत ज़्यादा जो है बिगाड़ने लगा था। तो उन्हें लगता था कि अब इस टोटो को घर में रखना ठीक नहीं और इसको वापस वहीं पर भेज देना चाहिए जहाँ पर से ये आया है। तो दादाजी ने ये निश्चय किया कि वो टोटो को जो है वहीं पर भेज देंगे, उसी टोंगा ड्राइवर को दे देंगे जहाँ से वो इसे लेकर आए थे। उन्होंने इस मंकी को, इस टोटो मंकी को टोंगा ड्राइवर को दे दिया। कितने रुपए में? उन्होंने उसे वापस कर दिया 3 रुपए में, क्योंकि अब वो उसको सिर्फ 3 रुपए में ही लेना चाहता था, क्योंकि पहले उन्होंने सिर्फ उसे 5 रुपए में ख़रीदा था, लेकिन अब उन्होंने उसे 5 की बजाय 3 रुपए में ही उसे देना उचित समझा, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा शैतान हो गया था और घर में सब सामानों की तोड़फोड़ करने लगा था। और आज का हमारा ये चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो कैसा लगा आपको? और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके नए चैप्टर के बारे में, द ईश्वरन द स्टोरी टेलर। टिल देन, बाय बाय।